वेलकम टू हैदराबादी फूड। आज मैं आपको बता रही हूँ एक रेसिपी जो सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। ये नली का हम आपको शोरबा बता रहे हैं। इसकी रिक्वेस्ट मोहम्मद यूनिस साहब ने की है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं नली का शोरबा। बहुत ही ईजी है ये। सिर्फ नलियों को जो बॉयल करके हम पानी आता है वो उसमें बहुत ताकत होती है, उसी को शोरबा कहते हैं, यानी कि बोन मैरो सूप। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। ये मैंने हड्डी ले ली है, सारी नलियाँ ले ली है, थोड़े हड्डी भी मिक्स की है। इसमें मैं ऐड करूँगी एक अनियन, और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी ज़्यादा डालेंगे हम, क्योंकि हाफ पानी सूख जाएगा और हाफ जो होगा हमारा शोरबा होगा। देख सकते हैं आपने, एक जग पानी ऐड किया है मैंने इसमें। और इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, थोड़ी सी टर्मेरिक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून। आप चाहें तो लाल मिर्ची का बना सकते हैं, मगर मैं हरी मिर्च और काली मिर्च मिक्स करके बना रही हूँ। इसमें मैं ऐड करूंगी साबित काली मिर्च, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून ली है। 3 हरी मिर्चें डालेंगे इसमें, दालचीनी 2 टुकड़े, इलायची डालेंगे 2 से 3, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी शाही जीरा। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा बंच ऐसे ही डाल दें हरे धनिया का, ये सारा गल जाएगा। और डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो असली घी भी ऐड कर सकते हैं। 2 to 3 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। चलिए अब इसे मैं लिड लगाऊंगी और 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। ऑलमोस्ट ये देखिए 4 सीटी हो गई है, आप देख सकते हैं पानी ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। और हम इसे और 5 मिनट्स कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा हल्का सा और थिक हो जाए। फिर इसके बाद हम इसे थोड़ी सी अनियन के साथ बगा लेंगे। बहुत ही हेल्दी होता है बोन मैरो सूप, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, आप बच्चे बड़े सब खा सकते हैं रोटी के साथ। और कुछ मसाला नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ बेसिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं हमने। ये होता ही ऐसा है, बिना किसी दही उसके आप बच्चों को भी इसमें रोटी में चूर कर आप इसे दे सकते हैं। चलिए 5 मिनट के लिए, पैन में मैंने 1/2 अनियन ली है स्मॉल, और उसमें ऐड किया है मैंने असली घी, और थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी जस्ट 1 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून हमने असली घी लिया है। इसे हल्का सा लाइट ब्राउन होने देते हैं। देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी, आप चाहें तो अनियन स्किप करके डायरेक्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा टेस्ट एनहांस होगा इसीलिए मैंने ऐड किया। इसे सोटे करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा नलियों के साथ हम ऐड कर देंगे। ये नीचे जो साबित काली मिर्ची थी वो हमने स्किप कर दी है। बस 5 मिनट हम इसे पकाएंगे। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, और काली मिर्ची भी हमने कम डाली थी तो थोड़ी सी काली मिर्ची मैं फिर से ऐड करूंगी। साथ में डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप देख रहे हैं हमने ऑयल कम डाला था, मगर नलियों का जो चिकनाहट होती है वो इसमें छुप के ये ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तो आप ऑयल शुरू से ही कम ऐड करें ताकि ज़्यादा ऑयली भी ना हो जाए, सूप सूप की तरह ही रहे। चलिए 5 मिनट इसे कुक करेंगे, और एंड में थोड़ा सा शाही जीरा ऐड करके हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बस सूप की तरह इतना ही पतला चाहिए हमें। तो मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए रेडी हो गया है नली का शोरबा, यानी बोन मैरो सूप। बहुत ही टेस्टी होता है ये, बहुत ही हेल्दी होता है, आप सर्दियों में इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है ये। ऐसी कोई रेसिपी है जो आप चाहते हैं हैदराबादी फूड अब बनाए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम ज़रूर आपके लिए लाएंगे वो रेसिपी। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए हैदराबादी फूड अब। थैंक यू एवरीवन।